सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्रेम परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। किसी को देकर तो देखो। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। रूप रंग देखकर आदमी की फितरत का पता मत लगाना। वफादार और अच्छे लोग हमेशा सादगी में ही मिलते हैं। आज का पंचांग 21 अप्रैल 2020 दिन मंगलवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 5:38 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र सुबह 10:23 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:10 से 4:45 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:34 से 12:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मास शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेष राशि 21 अप्रैल 2020 दिन मंगलवार। अच्छा आपके लिए बहुत सारा काम है, व्यस्त रहेंगे। जल्दी के चक्कर में अपने किसी शुभ चिंतक को नाराज न करें, नम्र बने रहें। आपकी सकारात्मकता के कारण नए अवसर मिलेंगे। धीरज रखें, परिवर्तन ही शाश्वत नियम है, इसीलिए बदलाव तो आपके जीवन में भी होना ही है। आराम और सुकून देने वाला साबित होगा दिन, आराम और सुकून देने वाला भी साबित हो सकता है। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। आज अपने विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। आज आपको अपने साथियों से अत्यधिक लगाव, स्नेह और सम्मान प्राप्त होगा। आपको कुछ नए अवसर मिलने के योग हैं। अवसरों का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए आप सतर्क और जागरूक रहें। वाहन चलाने में सावधानी रखने का दिन है। कोई चोट या मोच से प्रभावित हो सकते हैं। आपको अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करते हुए अपने और अपने साथियों के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। सावधानियां, अपने साथी पर किया गया संधि एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। इस बात में सावधानी बरतें कि आप किसके साथ आर्थिक लेन देन कर रहे हैं। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खासी क्यों ना करना पड़े। लव लाइफ की बात करें तो ये समय अपने रिश्ते में सकारात्मक प्रकृति के बदलाव की योजना के लिए सही है। आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। आप स्वाभाविक रूप से मितभाषी और शर्मीले हैं और इसी कारण आपका साथी आपकी सच्ची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर में है। बस अपने दिल की बात सुने और सारा अविश्वास आपके रिश्तों से गायब हो जाएगा। करियर की बात करें तो आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके क्षेत्र में दस्तक दे रही है। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है। एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो आपकी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। सेहत की बात करें तो आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफी तेज और सक्रिय है। अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें। आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। आज का उपाय, आज आप भगवान हनुमान जी की आराधना करें।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।